नोएडा दादरी थाना इलाके के कोट गांव के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए, तो वहीं दो बदमाश मौके से फरार हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से कार, मोबाइल, तमंचे बरामद किए हैं। बता दें कि बदमाश ओला कैब ड्राइवर की हत्या कर गाड़ी लूटकर फरार हो गए थे। पकड़े गए बदमाशों में एक दर्जन से ज्यादा हत्या लूट के मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, कल रात बदमाशों ने एक घटना की थी। अर्धरात्रि में कैब चालक को गोली मारकर बदमाशों ने उसकी स्विफ्ट कार को लूट लिया था। आज चेकिंग के दौरान उन्हीं बदमाशों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की, दादरी पुलिस की, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी है। दो बदमाश भागने में सफल रहे, कॉम्बिंग की जा रही है। स्विफ्ट गाड़ी जो कल लूटी गई थी, वो मोबाइल फ़ोन, दो तमंचे, ढेर सारे कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। दो बदमाश जो भागे हैं उनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। संवाददाता अक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्रम, इस पूरे मामले में ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, क्या अभी तक कुछ पता चल पाया फरार बदमाशों का? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बदमाश हैं जो फरार हुए हैं उसके लिए पुलिस ने लगातार कंबिंग की हुई है। और मुठभेड़ की बात की जाए तो मंगलवार की शाम एक गाड़ी लूटने के बाद बदमाशों ने हत्या कर दी थी ड्राइवर की, और उसका गाड़ी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। लगातार पुलिस जांच कर रही थी, उसके बाद इनपुट के आधार पर देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच दादरी थाना इलाके कोट गांव के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और जबकि दो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। बदमाशों की अगर बात की जाए तो इन पर एक दर्जन से ज्यादा हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। बेहद ही शातिर किस्म के बदमाश हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर में लूट की वारदात के बाद हत्या करने से भी गुरेज नहीं करते थे। इसी को लेकर पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की तो बदमाशों के कब्जे से मुठभेड़ के बाद जो गाड़ी लूटी थी वो मिल गई है। इसके अलावा मोबाइल है और अवैध असली बरामद हुए हैं। और बदमाशों की इस कार्रवाई को पुलिस कितनी बड़ी कामयाबी मान रही है, और अब जो फरार बदमाश है उनकी तलाश के लिए किस तरह के कदम? देखिए, जिस तरह से दादरी थाना इलाके में कई दिनों से लगातार लूट की वारदातें और हत्या की वारदातें सामने आती थी, अज्ञात सब भी मिलते थे, उसको लेकर लगातार पुलिस शिकंजा कसे हुई थी। इसके बाद जरूर फौरी राहत जरूर कहा जाएगा, क्योंकि बदमाश गिरफ्तार हुए, लेकिन दो बदमाश फरार हुए हैं उसके लिए पुलिस इनपुट जुटा रही है, और जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं उनसे इलाज होने के बाद पूछताछ भी की जाएगी। और लगातार पुलिस का यह दावा है कि जल्दी जो बदमाश फरार हुए हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अगर बदमाशों की बात की जाए तो दोनों की पहचान एक की अलीगढ़ के निवासी के रूप में है, दूसरा की मथुरा के रूप में निवासी के रूप में हुई है। तो दोनों बदमाशों की पहचान हो गई है और जल्द ही पुलिस इनकी जो गैंग है उसके भी कमर तोड़ने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जाहिर तौर पर कहा जा सकता है। अब फिलहाल अगर दो बदमाशों की बात करें जो गोली लगने से घायल है, उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, पूछताछ को लेकर किस तरह से कवायद? देखिए, जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं उनके पैर में गोली लगी हुई है और इलाज के लिए नोएडा के सेक्टर 30 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि इनसे पूछताछ के बाद जो घटनाक्रम है उसका खुलासा होगा और कितनी वारदातों को ये दिल्ली एनसीआर में अंजाम दे चुके हैं और गौतम बुद्ध नगर में कितनी बड़ी घटनाएं कर चुके हैं, उन सबका खुलासा ही पुलिस करेगी। जी बिल्कुल अक्रम, लंबे वक्त से पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी, लेकिन जिस तरह से मुठभेड़ के दौरान इन दो बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, पुलिस की तरफ से किस तरह से इनको ये जानकारी मिली, कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस की कई टीमें लगातार लगी हुई हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। कमिश्नर के आदेश पर लगातार देर रात पुलिस चेकिंग कर रही है। इसी को लेकर दादरी थाना इलाके कोटगांव के पास पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान इनपुट मिला, जिसके बाद बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों तरफ से फायर एक्सचेंज हुआ, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई है और बदमाश गोली लगने के बाद घायल हो गए हैं। और अभी बहुत बहुत शुक्रिया अक्रम जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।